नमस्ते, मैं आकाश विश्वास आप सबका स्वागत करता हूं बातें खेती की में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक अनोखे से सब्जी की जिसे अंग्रेजी में मशरूम कहते हैं। चर्चा में आज हमारे साथ हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी के मशरूम ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर के पी एस कुशवाहा जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि सर मशरूम क्या होता है? देखिए आकाश जी, जो आपने सवाल पूछा है कि मशरूम क्या चीज़ है, मशरूम एक विशेष प्रकार का कवकों का वर्ग है। अच्छा, कवक या फफूंदी हिंदी में कहा जाता है, आमतौर पर लोग जानते हैं हम यहाँ पर, वैसे फंजाई है अंग्रेजी में, हिंदी में उसको आमतौर पर हम लोग कवक कहते हैं या फफूंदी कहते हैं। और इन फफूंदियों का जो है बहुत बड़ा एक वर्ग है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, इसको फंगल किंगडम में ही रखा गया है। इस साम्राज्य में कुछ एक फफूंदियाँ ऐसी हैं जो अपना फल बनाती हैं। अच्छा, मतलब फफूंदियों का भी फल बनता है। फफूंदियों जो फल बनाती हैं, अब उन फलन काय, फल कह रहे हैं, फलन काय कहें, फल जैसी रचना, उस फलन काय को ही मशरूम कहा जाता है, जिसको आँख से हम आसानी से देख सकें, हाथ से उसको छू या उठा सकें। अगर ऐसी कोई रचना फफूंदी बना रही है तो सब मशरूम कहलाते हैं। आज के परिवेश में ऐसा हो गया है कि मशरूम वो चाहे खाने वाला है या नहीं खाने वाला है, हर किसी मशरूम का कहीं ना कहीं उपयोग है। या तो हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं कुछ दवाइयाँ बनाने के इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इस तरह से मशरूम दो भाग में बट गया, एक तो खाने वाले, दूसरे जो औषधीय मशरूम, खाद्य और औषधीय। अच्छा, मशरूम में भी औषधीय मशरूम भी हैं। अच्छा, कुछ एक ऐसे हैं जिनको हम खा भी रहे हैं और औषधि दोनों काम में आते हैं, कुछ दोनों काम के हैं, कुछ केवल औषधियाँ बना रहे हैं, कुछ केवल खाने के काम आ रहे हैं। तो इस तरह से मशरूम कई तरीके के हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने शुरू की थी कि फफूंदियों का साम्राज्य होता है मशरूम कहलाता है। हमने अक्सर देखा है जो ब्रेड होता है या डबल रोटी जिसे कहा जाता है, उसमें भी एक तरीके का फफूंद लग जाता है, तो ये फफूंद जो होता है फिर वो ब्रेड को खाने लायक नहीं रहने देता। तो मशरूम कितना अलग है इन सब चीज़ों से? जो वनस्पतिक वृद्धि है, जो आपने बताया कि ब्रेड के ऊपर कुछ धागेनुमा रचना उग जाती है, वो फफूंदियों का एक तरह से वनस्पतिक बढ़वार है, उसकी पत्तियाँ कह लें, चाहे जो पेड़ पत्तियाँ में अंतर नहीं होता है इसमें, लेकिन वही फफूंदियों का जो रेशेनुमा भाग है वो वनस्पतिक वृद्धि है उसकी। और कुछ समय के बाद कुछ फफूंदियाँ जो विशेष दर्जे की हैं वो उन्हीं से अपना एक कहने की फल बनाती हैं, है ना, और उस फल को ही मशरूम कहा जाता है। अच्छा, तो सर मशरूम एक फल है मान के चलते, आपने जैसे कि अभी कहा, अक्सर हमने देखा जो बाकी सब्जियां होती हैं या जो बाकी फल होते हैं उनके पत्ते शाखाएं अक्सर, मतलब अक्सर क्या, आमतौर पे हरी होती हैं, मशरूम में ऐसा नहीं होता, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हमें ये कहना है कि वनस्पति जगत जो है बहुत बड़ा जगत है, लगभग सभी वनस्पतियों में जो पौधे हमारे हैं वो हरे होते हैं। हरे होने के पीछे है कारण कि उनमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, जी। या हिंदी में कहें तो पर्ण हरित भी कहा जाता है। तो पर्ण हरित जो तत्व है जो हरित हरा बनाता है पौधों को, लेकिन मशरूम एक ऐसा है जिसमें पर्ण हरित नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक क्लोरोफिलस या बिना पर्ण हरित वाला पौधा। तो क्लोरोफिल नहीं है, उसके बावजूद ये सब्जियों के कैटेगरी में आता है। आमतौर पर हम लोग इसको सब्जी बना करके ही खाते हैं। हाँ, जिसकी वजह से इसको सब्जी की कैटेगरी में रख दिया गया। अच्छा, वैसे खाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके अपना लिए गए हैं। हरापन जो है जो इस सब्जियों में है, हरित पदार्थ जो है मशरूम में नहीं पाया जाता है। और कुछ जो हमारे जो पोषक तत्व हैं जो सब्जियों में पाए जाते हैं, आमतौर पर जो वनस्पति जगत की जो सब्जियाँ हैं चाहे दालें हैं, जो पोषक तत्व तो पाए जाते हैं उनसे कुछ हट करके है ये। अच्छा, खास तौर से हम लोग ये कहते हैं कि मशरूम में प्रोटीन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। अच्छा, प्रोटीन की गुणवत्ता क्यों अच्छी है? प्रोटीन की गुणवत्ता को जो निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो अमीनो अम्ल हैं। हमारे शरीर को कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, और उन आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं हमारे, उसमें कुछ एक ऐसे हैं जो वनस्पतियों में पाए जाते हैं, कुछ एक ऐसे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो हमारे एनिमल प्रोटीन है उसमें पाई जाती है, जैसे मीट खाने वाले लोग हैं, अंडा खाने वाले हैं, दूध में पाई जाती है, लेकिन सब्जियों में नहीं पाई जाती। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसमें वो दोनों को मिला करके
वनस्पति में जो पाया जाता है वो भी पाया जाता है, एनिमल में जो पाया जाता है उसको भी पाया जाता है, वो भी प्रोटीन जो अमीनो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो इस मशरूम में पाए जाते हैं, जो कि वनस्पति में जो या हमारे जो वनस्पतिक सब्जियाँ हैं जो हरी सब्जियाँ हैं उसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल के कहें कि उपलब्धता नहीं है और वो आवश्यक अमीनो अम्ल इस मशरूम में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता मानते हैं कि कई गुना ज़्यादा है अन्य सब्जियों की तुलना में। अच्छा, मतलब अन्य सब्जियों से परे इसमें क्लोरोफिल नहीं है लेकिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन की क्वालिटी अच्छा। अच्छी है। खेती बाड़ी की अगर बात करते हैं, अंतर की बात है कि हमारी और सब्जियाँ जो हैं खुले खेत में होती हैं जिसके लिए खेती योग्य जमीन चाहिए। जी जी जी, मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसके खेती योग्य जमीन की जरूरत नहीं है। हम बिना खेती योग्य जमीन के, जो हमारे किसान कुछ ऐसे हैं जिनको कहते हैं भूमिहीन किसान, जिनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है, तो भूमिहीन किसान भी इस मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं अपने घर में। तो देखा दोस्तों, डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि जो भूमिहीन किसान है या जिनके पास ज़मीन नहीं है वो मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसकी बारीकियों पे और नज़र डालेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस आएंगे। यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, वो बंजर ज़मीन है या पथरीली ज़मीन है, ऐसी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और वहाँ पर वो घर बना लें या तो पक्का बना लें या इवन घास फूस की झोपड़ी से भी बना करके मशरूम की खेती करना संभव है। स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर कुशवाहा। डॉक्टर कुशवाहा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम मशरूम की खेती क्यों करें? देखिए आकाश जी, मशरूम खेती करने के लिए हम जो किसान को बता रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि एक तो किसानों को उनकी जो यूजलेस ज़मीन है या बेकार ज़मीन है जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, वो बंजर ज़मीन है या पथरीली ज़मीन है, ऐसी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और वहाँ पर वो घर बना लें या तो पक्का बना लें या इवन घास फूस की झोपड़ी से भी बना करके मशरूम की खेती करना संभव। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि घर जो मशरूम हाउस हम बना रहे हैं वो पक्का हो, झोपड़ी में भी मशरूम उगाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर सस्ते में आपको करना है अच्छा। तो झोपड़ी बना करके भी आप मौसम के हिसाब से बदलते हुए मशरूम खेती आप कर सकते हैं अच्छा। तो एक तो फ़ायदा ये है जी। दूसरा फ़ायदा ये कि है कि अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप जहाँ जिस घर में रह रहे हैं आपके पास बाथरूम है, अपने सब्जी के लिए आप बाथरूम में भी आप मशरूम के बैग रख करके आप उसमें भी उगा सकते हैं। अच्छा, यानी कि घर का बाथरूम भी मशरूम उगाने के लिए हम इस्तेमाल। अगर आपका पक्का घर है, छत है अच्छा, तो छत पर भी कुछ ऐसा बना दें कि उसमें रोशनी या धूप ना जाए, तो उस छत पर भी खेती की जा सकती है इसकी। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ धूप ना हो, धूप नहीं चाहिए इसको, छाया। आमतौर पर मशरूम की जो आवश्यकता है ज़्यादा समय इसको अंधेरा चाहिए अच्छा, तो अंधेरा करने के लिए आपको चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा, तो या तो आपके अपने बाथरूम में रख लें या झोपड़ी बना लें या छत पर भी कुछ ऐसा व्यवस्था करें ताकि वो अंधेरा कर सकें अच्छा। हवा इसको ज़रूर चाहिए अच्छा। ताज़ी हवा की ज़रूरत है इसके लिए। जो कमरा बना रहे हैं, चाहे झोपड़ी बना रहे हों या छत पर बना रहे हैं अपने, तो इसके लिए खिड़की और रोशनदान की व्यवस्था हो। 24 घंटे में मशरूम को 3-4 घंटे ताज़ी हवा और रोशनी की ज़रूरत पड़ती है बस, तो ऐसी व्यवस्था बना लेंगे वहाँ आप खेती कर सकते हैं इसकी। तो एक तो फ़ायदा यह है। दूसरा फ़ायदा है इसकी मशरूम खेती का यह है कि हम खेती बाड़ी से जो बेकार की चीज़ें निकल रही हैं, जैसे गेहूं का भूसा हुआ या धान का पुआल है, गन्ने की पत्ती है, पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं, मैंने जो भी है आमतौर पर हम लोग उसको या तो आग लगा के जला देते हैं या जला दिया जाता है। अधिक जला दिया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो बहुमूल्य संपदा है उसको हम जला करके राख कर दिए। उसी बहुमूल्य जो संपदा हमारी है जिसको हम लोग जला दे रहे हैं उनको हम इकट्ठा करके रख लें और उसका इस्तेमाल करके हम अच्छी खासी जो है अपनी सब्जी उगा सकते हैं। तो ये किसानों के लिए फ़ायदे की बात है। बात जो डॉक्टर साहब ने कही इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जगह जैसी भी हो छांवदार होनी चाहिए, मशरूम उग ही जाएगा, और जो धान के पुआल या उस तरीके की चीज़ें होती हैं जो अक्सर जला दी जाती हैं उनका इस्तेमाल मशरूम उगाने के लिए हम कर सकते हैं जी। मशरूम उगाने के तो आपने तरीके हमें बताए कि किसान किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया कर सकते हैं। ऐसी कोई मशरूम की फसल में ऐसी कोई निर्धारित सी जगह है, मतलब इसी हिस्से को मशरूम के इसी हिस्से को खाया जा सकता है या फिर ये हिस्सा फेंक दिया जा सकता है या इसका इस्तेमाल ना करें?
देखिए किसान भाइयों, जो खाने की जो बात है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मशरूम जो आपने लगा दिया उसमें से उगने लगता है, उसको जब हम तोड़ते हैं मशरूम को, तो तोड़ने का एक विशेष तरीका है। आमतौर पर जैसे हम अपनी सब्जी खेत में जाते हैं तो या तो काट लाते हैं, तो काट करके नहीं लाना है हमें, उसको जड़ से ही उखाड़ना होता है। अच्छा। उसको करने के लिए है कि अगर कई कई प्रजातियाँ अलग अलग हैं, तो अगर ढेंगरी मशरूम की अगर बात करें तो उसको जड़ से पकड़िए और ऐंठते हुए उसको निकालना है, तो उसमें थोड़ा सा जड़ के पास भूसा लगा रह जाएगा हो सकता है। या बटन मशरूम है उसको आप टोपी को पकड़िए और थोड़ा सा ऐंठते हुए जड़ से ही उखाड़ लें, तो उसमें जड़ वाले पोर्शन में थोड़ी मिट्टी लगी रहेगी, तो उस जो मिट्टी लगी वाला भाग है या भूसा जो लगा हुआ है उसको आपको चाकू से काट करके अलग करना है, और बाकी जो पोर्शन है उसको आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो धान के पुआल वगैरह होते हैं जिनको अक्सर जला दिया जाता है, हम उस पर मशरूम उगा सकते हैं, तो मशरूम जब उगाया जा सकता है, फसल को हर तरीके की मतलब जैसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो जीने उसको उगाने की जो सामग्री है, जो नेचुरल सामग्री होती है, जो प्राकृतिक सामग्री है, वो कैसे मिलती है, उसका पालन पोषण उस चीज़ से कैसे हो सकता है? देखिए आप जो पूछना चाह रहे हैं, जैसे भूसा है, हम उसी भूसे को अपने जानवर को खिलाते हैं। हाँ। खिलाते हैं ना जी। हमारा जानवर जिंदा रहता है और हमें दूध भी देता है। बिल्कुल। उसी से दे रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारा जानवर उसको खा के जिंदा रह सकता है, तो हमारी जो मशरूम है वो भी उसमें, उस भूसे में इतना तत्व तो है कि उसको लेकर के वो पैदा होती है। ख़ास तौर से देखिए, अलग अलग मशरूम की प्रजातियाँ हैं, कुछ एक प्रजातियाँ हैं जैसे भूसे में हमारे कुछ विशेष तत्व हैं जो लिग्निन या सेलुलोज, दो ऐसे तत्व हैं जो हमारे जानवर की आंत नहीं पचा पाती हैं आमतौर पर। तो मशरूम एक ऐसा है कि उसको अगर लगा देते हैं तो उस लिग्निन और सेलुलोज उसको चाहिए, तो लिग्निन सेलुलोज को डिग्रेड करता है और उसी को अपने खाद्य पदार्थ के तौर पर वो इस्तेमाल करता है या अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। अच्छा। और हमें सब्जी देता है वो। मतलब जो चारे पुआल होते हैं या पैरे होते हैं वो पशुओं के इस्तेमाल में भी आ रहे हैं और यहाँ मशरूम के इस्तेमाल में भी आ रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ किसान भाई हमारे जो हैं सवाल करते हैं अक्सर, जो छोटे किसान हैं ख़ास तौर से, उनका कहना है कि हम अगर मशरूम उगाने में अपने भूसे को या पुआल को इस्तेमाल कर लिए तो हम अपने जानवरों को क्या खिलाएंगे। तो आपको ये कहना, मैं बताना चाहूँगा कि मशरूम की एक प्रजाति ऐसी है जो उसको ढेंगरी मशरूम के आमतौर नाम से जाना जाता है यहाँ पर, उसको उस मशरूम को अगर उगाते हैं तो उससे मशरूम भी उगा सकते हैं और मशरूम उगाने के बाद जो भूसा बच गया उसको जानवर को भी खिला सकते हैं। अच्छा। तो किसानों के लिए है कि उस भूसे का कहें कि डबल उपयोग। हाँ, डबल उपयोग, जहाँ मुनाफा कमान, हाँ मुनाफा कमाने के बाद, जैसे गेहूं की फसल हो गई या धान की फसल हो गई, मुनाफा कमाने के बाद जो किसान भाई उसको जला देते हैं, ना जलाएं, उससे मशरूम उगाएं, मुनाफा और मशरूम उगा करके अगर ढेंगरी मशरूम उगा रहे हैं तो उसके बचे हुए भूसे को फिर आप अपने जानवर को भी खिला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। बहुत अच्छी बातें बता रहे डॉक्टर साहब, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम चल लौटेंगे। ये गेहूं का भूसा है जो आप ये देख रहे हैं, गेहूं का भूसा है नीचे, उसके ऊपर करीब 1 से 1.5 इंच मोटी आवरण मृदा, इस आवरण मृदा की 1.5 इंच मोटी परत डाली जाती है उसके ऊपर। स्वागत है एक बार फिर आप सबका ब्रेक के बाद, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कुशवाहा जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये जगह कौन सी है? देखिए, ये मशरूम उगाने के लिए एक फसल कक्ष बनाया गया है। अच्छा। और फसल कक्ष जो है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि मशरूम उगाने के लिए एक कमरा बनाना होता है, खुले में नहीं किसी खेती जी, होती है। अब वो कमरा पक्का हो या घास फूस का भी हो सकता है, छावदार होना चाहिए। हाँ, तो ये एक कमरा है मशरूम उगाने का जिसको हम लोग फसल कक्ष कहते हैं जी, और ये पक्का बना हुआ है, घास फूस का नहीं। घास फूस का भी कमरा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये पक्के फसल कक्ष में एक तो है कि आपको कमरा हो, खिड़की और रोशनदान होने चाहिए, और इस तरह के जो रैक्स हैं, अच्छा ये रैक्स होने चाहिए ताकि एक के ऊपर एक हम कई टायर के बना दें, ताकि
प्रति इकाई क्षेत्रफल हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें। तो फसल कक्ष के अंदर की जो बात है, इस तरह के रैक्स बनाएं। वो रैक्स अगर आप घास फूस की झोपड़ी अगर बना रहे हैं तो उसमें आप बांस से या बल्लियों के सहारे इस तरह के रैक्स बना सकते हैं, जो अपने कमरे की जो ऊंचाई है उसके आधार पर 3 रैक का या 4 रैक का, 5 रैक का, जैसे इसमें आप इसको देखेंगे तो 5 रैक्स के कमरे बने हुए हैं। और इसके ऊपर जो हमने 2 रैक बना रखे हैं, एक इधर और एक इधर, इसके बीच में 2 रैक के बीच में आपको वर्किंग स्पेस चाहिए ताकि हम उसके अंदर आकर के बैग को रख सकें, उसमें पानी लगाना तो लगा सकें। तो ये आपने जो पूछा, ये प्रकार का ये फसल कक्ष है जो पक्का है। अच्छा, मतलब हमने जो हम बात कर रहे थे पिछले ब्रेक में जाने से पहले कि जो मशरूम घर होते हैं वो मशरूम घर कच्चे, हाँ, तो ये पक्का मशरूम घर है और उसके अंदर का ये व्यू जो आप देख रहे हैं कि रैक्स बनाए हुए हैं। अच्छा, ये पैकेट्स जो हैं इन्हीं में मशरूम उगाया जाता है, तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा ये पैकेट के अंदर का जो सामान है, जो सामग्री है, ये किस चीज़ से है? मतलब मशरूम जब उगते हैं इस पे, तो ये किस चीज़ पे उगते हैं? इसको उगाने के लिए गेहूं का भूसा या धान का पुआल, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गेहूँ का भूसा है जो आप ये देख रहे हैं, गेहूँ का भूसा है नीचे, उसके ऊपर करीब 1 से 1.5 इंच मोटी आवरण मृदा, या उसको केसिंग सॉइल भी कहते हैं अंग्रेजी में, इस आवरण मृदा की 1.5 इंच मोटी परत डाली जाती है उसके ऊपर। और वो परत डालने के लिए है कि जब हम पहले बीज मिलाते हैं गेहूं के भूसे में, और जब बीज फैल जाता है, बीज फैलने का मतलब है कि उसके आपके पॉलीथीन के जो थैले हैं वो बाहर से ही आपको सफ़ेद सफ़ेद लगेगा कि फफूंदी जैसी कुछ रचना फैल गई है। अच्छा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब आपको बैग को खोलना है और उसके ऊपर वो आवरण मृदा करीब 1 इंच मोटी, 1 से 1.5 इंच बराबर फैलाना है और उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें तो मशरूम निकलने लगेगा। अच्छा सर, ये तो रही जब हम आवरण मृदा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा सर यहाँ पे जो है, जो सिर्फ धान के पुआल से बनाई गई है, ये कौन सी किस्म की मशरूम इसमें उगते हैं? इसको उगाने के लिए केवल रात भर भूसे को भिगाना है और उसमें आपको बीज मिलाना है ढेंगरी मशरूम का। अच्छा, ढेंगरी मशरूम का जो बीज मिलाते हैं, अगर आपका गेहूं का भूसा आपने ले रखा है और भिगाने के बाद उस भूसे का वजन अगर 1 क्विंटल के आसपास है तो उसमें लगभग 2 किलोग्राम बीज मिलाते हैं। और बीज मिला करके इस तरह से आपको थैले तैयार करने हैं और आपको लगेगा कि सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी थैलों के बाहर आ गई, आपको इसे दिखाई देने लगेगा बाहर से। और ऐसी स्थिति आने पर आपको सावधानी से प्लास्टिक के थैले को काट करके हटा देना है, जैसा आपने देख रहे हैं इसमें इसको थैले को काटा दिया गया है, तो इसमें से आपको मशरूम निकलता हुआ दिखाई देने लगेगा। पहले मैंने आपको बताया कि आवरण मृदा डालने की, आवरण मृदा डालने का काम केवल बटन मशरूम और दूधिया मशरूम में किया जाता है। अच्छा, ढेंगरी मशरूम में आवरण मृदा की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पुआल की मदद से ही उग जाता है, उसी पर उग जाता है, आवरण मृदा की जरूरत नहीं है इस पर। अच्छा, तो ये जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये मशरूम इस वक्त जो प्लास्टिक के जो बैग है वहाँ से बाहर आ चुका है, तो क्या ये मशरूम इस वक्त तैयार है इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक से बाहर आ रहा है, इसमें जो हम लोग लगाते हैं बीज मिला करके भूसे को इसमें भर दिया, तो चूंकि गर्म ना हो, गर्म हो अगर होता है, कोई चीज़ बंद कर देंगे तो गर्मी होने लगेगी, भूसे की जो कहें कि प्रकृति है कि जब वो बंद हो जाएगा तो गर्म होगा भूसा, एक घर बहुत गर्म हो जाता है और पानी मिल गया तो गर्मी और बढ़ने लगती है। तो गर्म होने से बीज कहीं मर ना जाए उससे बचाने के लिए इस थैले के चारों तरफ कुछ छेद बना देते हैं ताकि ताज़ी हवा, उससे मतलब हवा का आना जाना बना रहे और गर्मी अगर अंदर पैदा हो रही तो गर्मी भी निकल जाए। अच्छा, कुछ गैस बन रही है तो गैस बाहर निकल जाए उससे, ताकि हमारा जो मशरूम का बीज इसमें हमने मिला रखा है वो ख़राब ना होने पाए और बीज आसानी से चारों तरफ फैल जाए। और जब इसकी समय जब पूरा हो जाता है लगभग 12-15 दिन का, अगर आप प्लास्टिक के थैले को काटने में अगर देरी करते हैं तो जो आपने छेद बनाया था चारों तरफ उन्हीं छेद के सहारे से मशरूम अपने आप निकलने लगता है। अच्छा। तो ऐसी स्थिति आना एक मतलब हो गया है कि आपको थैले को काट के हटाना है। अब थैले को जब काट के हटा देंगे तो चारों तरफ से मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। और मशरूम को हम इस्तेमाल उसी वक्त कर सकते हैं या फिर उसकी भी कोई अवधि होती है कि हाँ कि अब ये मशरूम इस्तेमाल करने के लायक हो गया है, अब इसको हटाया जा सकता है या निकाला जा सकता है? देखिए,
निकालने की जो अवस्था है या मशरूम तोड़ने की जो अवस्था की बात है आप कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अलग अलग मशरूम में अलग अलग अवस्थाएँ हैं। एक अगर उचित अवस्था पर जब तोड़ेंगे तो आपको जो पैदावार मिलनी है प्रॉपर या उपयुक्त जो पैदावार मिलनी है, जब सही अवस्था पर तोड़ेंगे तभी मिलेगी। सर मेरा अगला सवाल कि इस वक्त हमारे जो किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, वो किन किन प्रजातियों की खेती कर रहे हैं मशरूम की? लेकिन किसानों के स्तर पर जो मशरूम पैदा किया जा रहा है, जो उगाया जा रहा है, वो कुल चार तरह की प्रजातियाँ हैं जो अपने देश में खेती की जा रही हैं। और सबसे प्रमुख प्रजाति जो है वो बटन मशरूम है। बटन मशरूम अपने देश में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है और आमतौर पर बटन मशरूम की खेती सर्दी के मौसम में होती है। लगभग 14 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर आपको वातावरण में मिल रहा है तब तक इस बटन मशरूम खेती आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत प्रमुख प्रजाति है। दूसरी जो प्रजाति है जिसको आमतौर पर ढींगरी मशरूम या वेस्टर्न मशरूम के नाम से जाना जाता है, इस ढींगरी मशरूम की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं चाहिए और न बहुत ज़्यादा गर्म मौसम चाहिए, मतलब गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम अच्छा। चाहिए। तो सितंबर अक्टूबर का महीना बिल्कुल उपयुक्त है इस ढींगरी मशरूम खेती के लिए। अगर तापमान की अगर बात किया जाए तो ढींगरी मशरूम की खेती करने के लिए 18-20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर पहुँचता है तब तक इस मशरूम की खेती आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। ये तो हो गए दूसरी प्रजाति। तीसरी एक प्रजाति और है जो गर्म मौसम में करते हैं, गर्मी के एक मौसम में करते हैं खेती, जिसको दूधिया मशरूम कहते हैं। अच्छा। दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए जो तापमान की आवश्यकता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान है तब तक आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। वैसे ही एक और प्रजाति है जिसको आमतौर पर पुआल मशरूम या कुछ लोग पैरा मशरूम भी कहते हैं, उसकी खेती भी गर्मी के मौसम में ही होती है। लेकिन उस पैरा मशरूम की खेती जो है आमतौर पर उत्तर भारत में लोग कम कर रहे हैं, ज़्यादातर दक्षिण भारत में जो है या वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इधर इस एरिया में लोग ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं। और मुझे भी ये कहना है कि अगर किसान इस प्रजातियों को मौसम के हिसाब से चयन करे तो पूरे साल मशरूम का उत्पादन वो कर सकता है घर में बैठे हुए। तो किसान दोस्तों, अब हमने जाना कि किस तरीके से मौसम के हिसाब से किस्मों का चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। आपकी जो भी राय हो स्क्रीन पे दिए हुए पते पर हमें ज़रूर भेजें। वक्त हो चला है विदा लेने का, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी।